कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए उन्नाव के जवान अजीत कुमार के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं बेटे की शहादत पर फख्र जताते हुए पिता ने कहा कि बेटा कहता था एक दिन देश के नाम पर शहीद हो जाऊंगा, आज वह सचमुच शहीद हो गया। साथ ही उन्होंने सरकार से इस हमले का बदला लिए जाने और शहीद की पत्नी और बच्चों की मदद करने की भी अपील की है। पांच बेटे हैं तो एक सीआरपी में तो एक आर्मी में के अजीत के दो बेटियां हैं, एक 8 साल की है एक 6 साल की। तो कहा करते थे कि देखो सम्मान के लिए जो हम पीछे नहीं हटेंगे और अब हमारा नाम सही है, बच्चों का जो है ना जो बचा हुआ जीवन है उसके भरण पोषण का कोई न कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। जो मांग है कि उनके बेटे की जो है स्मारक बने और जो सरकार उनके परिवार की बच्चियों की जो मदद कर सके वो सरकार को आगे आके करना चाहिए। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ETV भारत।